अक्सर किताबों में बल्कि हर किताब में ही हार्ट फेलियर का दूसरा नाम जो मेंशन है दैट इज हार्ट फेलियर सी एच एफ सो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हम हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते क्यों हैं कोई ना कोई रीजन होगी ना तो आपके जहन में क्या आता है कि हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों कहती हैं अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हार्ट फेलियर है क्या पढ़ने से ऐसा लगता है ना कि हार्ट फेल हो गया हार्ट ने प्रॉपर्ली काम नहीं किया हार्ट ने काम नहीं किया तो आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं की ठीक है दैट इज हार्ट फेलियर नाउ द क्वेश्चन अरइज के व्हाई हार्ट फेलियर इज आल्सो नोन एज कंजस्टिव हार्ट फेलियर अच्छा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का वर्ड आया है कंजेशन की वजह से ठीक है कंजेशन मींस कहीं पे कोई चीज स्टक कर जाना एक्यूमिलेट कर जाना हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट गया उसे दूसरी हार्ट डिजीजेस थी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की प्रोग्नोसिस नहीं की तो अल्टीमेटली जी देर इज हार्ट फेलियर हार्ट फेलियर के लिए जो सेकंड टर्म इस्तेमाल होती है दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किसी किस्म की कोई कंजेशन होगी अब भाई ये कंजेशन हुई कैसे यू you नो know, जो बॉडी का मेन फ्लूड है दैट इज ब्लड जिसकी कंपोजिशन कैसे है कि ब्लड सेल्स से बना हुआ है इसके अंदर वाटर कंटेंट है प्रोटीन्स हैं प्रेशर्स जनरेट हो रहे हैं ब्लड प्रेशर बना उसके बाद जी हार्ट ने क्या किया इसको फैसिलिटेट किया कि ब्लड को पंप करें और आपकी सर्कुलेशन के अंदर जाए ओके जी हार्ट में ब्लड है सर्कुलेशन में घूमा आपके पूरे आर्टरीज के अंदर गया फिर वेंस में वापस आया फिर हार्ट में आ गया अगर यहाँ पे जी किसी किस्म का को कोई डिफेक्ट हो जाए तो अब हार्ट फेलियर होने वाला है बच्चों हार्ट फेलियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हमने क्यों कहा कि कंजेशन होगी अब आपको पता है जी विद इन द हार्ट हार्ट में ब्लड आया वेन्स के थ्रू आया अब हार्ट फिर इसने जाना है आपके लंग्स पे ठीक है लंग्स में जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड होगा ना फिर लंग्स से होने के बाद वापस से हार्ट में आएगा और उसके बाद पैरी में जाएगा ये फिजियोलॉजी का वही कॉन्सेप्ट है ठीक है तो भाई अब हुआ क्या कि आगे जी हार्ट को किसी किस्म की कोई मिलगी प्रॉब्लम फॉर एग्ज़ाम्पल जी हार्ट ने आगे जहाँ ब्लड पंप करना था वहाँ पे किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज आ गई फॉर एग्जाम्पल ये थीरोस्लेरोसिस होगी या हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा कि ब्लड आगे पुश करे ब्लड आगे पुश नहीं हुआ अब हार्ट के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ता गया अब हार्ट ने आगे जाने की बजाय एक्यूमलेसन कर दी हार्ट ब्लड ने आगे जाने की बजाय एक्यूमलेशन कर दी हार्ट में और अब बैकवर्ड मूव कर गया बैकवर्ड कहाँ पे मूव कर गया जनाबे वाला आपके लंग्स पे वहां जब आपके फेफड़ों में आपके लंग्स में जाके कर गया क्यूमु लिक्विड तो हमने कह दिया दिस इज अडीमा अब क्या हुआ इसमें फ्लूड बैकअप किया लंग्स में किया पेशेंट को अडीमा हो गया इस अडीमा को जो हमने नाम दिया है दैट इज दी पल्मोनरी अडीमा या पल्मोनरी कंजेक्शन मीन्स लंग्स ठीक है जो कहते हैं फेफड़ों में पानी डल गया अच्छा वो इसकी एक रीजन क्या थी कंजेशन थी कंजेशन क्या है अडीमा था अब इसकी वजह से पेशेंट को कौन से सिम्टम्स आएंगे जाहिर से बात आपके lungs है आपके लंग्स हैं लंग्स का मेन फंक्शन क्या है ऑक्सीजनेशन करना सांस लेने में हेल्प करना तो भी द फर्स्ट थिंग इज देर विल बी द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको हम एस ओ बी बी कहते हैं ये पहला सिम्टम आपके पास आ गया स्वेयर कंडीशन आ गई इवन पेशेंट अगर अब लेटा भी है रेस्टिंग स्टेज में भी है उसके बाद भी ड्यूरिंग लेइंग डाउन लेटी हुई पोजिशन में भी उसको सांस प्रॉपरली नहीं आ रहा डिफिकल्ट ब्रीदिंग है ओके अब हार्ट है जाइड है आपके लंग्स में आ,

अब एक रीज़न आपके पास आ गई कि ब्लड अक्यूमुलेट कर गया एडिमा हो गया एडिमा खाली पल्मोनरी एडिमा नहीं है पल्मोनरी एडिमा के अलावा आपका जी ब्लड जब मैं ब्लड कौन इधर हम लिक्विड एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं ठीक है तो लिक्विड वो आपका एक्मुलेट कर सकता है विद इन दी लेग्स एंकल्स या फीट देखो आपकी लेग्स आर एट दी लोअर लिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंकल्स या फीट तो इट मीज वी आर टॉकिंग अबाउट दी पेरिफेरल एडिमा ओके अगर जी आपका ये लिक्विड कर जो विद इन दी एब पेट में तो उसके लिए जो आपने टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है साइट्स अच्छा ये जो टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं बच्चों ये आप लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स से एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है अच्छा अगर लिवर में अक्यूमलेशन हो जाए टर्मिनोलॉजी लिवर को पैट, से रिप्रेजेंट करते हैं यू विल से, विल से देयर बी लिवर का मैगैली होगी उसका साइज बढ़ गया ये आपके पास सेकंड पॉइंट था सो दर्ड पॉइंट इज और लिक्विड आपको पता आपकी बॉडी से एक ऑर्गन के थ्रू एक्सक्रीट करता है एंड दैट ऑर्गन इज नोन एज किडनी ठीक है अगर किडनी ने भी लिक्विड को यूरिन को आफ्टर फिल्टरेशन एक्सक्रीट नहीं किया तब भी फ्लूड की कॉम्बिलेशन हो जाएगी जब भी मैं इधर फ्लूड का नाम लू यू मस्ट रिमेंबर के फ्लूड लिक्विड वाटर ही आपके ब्लड को बनाता है ठीक है जब उसके अंदर सेल्स एड हो जाते हैं फिर प्रॉपरली हम उसको ब्लड कहना शुरू कर देते हैं सो so बच्चो अब किडनी फेलियर होगी किडनी के डिसफंक्शन हो गया उसका लो लेवल ऑफ द फंक्शन हो गया तब भी सारे किडनी की तरफ इन केस फॉर एग्जांपल अगर रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो जाता है ना किडनी ने आपके सोडियम को एक्सक्रीट किया ना वाटर को एक्सक्रीट किया तब भी वाटर की एक्यूमुलेशन होगी तो इससे भी यह होना शुरू हो गया इससे भी आपका पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल इसमें हो सकता है कि हार्ट के अंदर ज्यादा फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाए जब हार्ट में ज्यादा पानी भर जाए या लिक्विड या ब्लड भर जाए तो तब भी वो बैकवर्ड मूव करना शुरू कर जाएगा सो so, ये जस्ट आपको बताने का मकसद है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव इसलिए कहते हैं इसमें कंजेशन है इसमें एक्यूमुलेशन है है फ्लूइड्स की यहाँ तक क्लियर है अभी आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं ठीक है सो ये भी इसके अंदर आंसर है तो हमें यहाँ से पता चला कि हार्ट फेलियर में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लिक्विड्स की अक्यूमलेशन हो इवन देन हार्ट फेलियर में ये भी पॉसिबिलिटी है विदाउट लिक्विड अक्यूमलेशन किसी किस्म का कोई इंटरेंजिक हार्ट के अंदर मसला आ जाए फॉर एग्जाम्पल एजिंग में आ गया या दूसरी रीजन ये हुई कि बॉडी की ह्यूमन बॉडी की वैसे ही मेटाबॉलिक नीड्स बढ़ गई बिकॉज ऑफ एन अदर डिजीज जैसे कि हाइपर थारॉयडिज्म में होता है जिसमें आपका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट कर जाता है आपको ज्यादा एटीपी चाहिए ज्यादा ब्लड चाहिए ज्यादा ऑक्सीजनेशन चाहिए तो बॉडी उस ओवर डिमांड को भी फुलफिल नहीं कर पा रही हार्ट तो विद द टाइम योर पेशेंट इज नाउ मूविंग टूवर्ड्स द हार्ट फेलियर सो भाई हार्ट फेलियर में रीजन कैन बी एडिमा और द लिक्विड एक्यूमुलेशन और रीजन कैन बी नो लिक्विड एक्यूमुलेशन ठीक है क्लियर फॉर एग्जाम्पल इसकी एक एग्जाम्पल मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं लेकिन हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिस्कशन भी नहीं जा रहे कॉन्सेप्ट को समझते हैं फॉर एग्जाम्पल हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन एच एफ पी ई एफ लाइक अगर आपको इसके ऊपर आज शॉर्ट नोट लिखो तो आपने कहना है दिस इज द टाइप ऑफ हार्ट फेलियर इसमें क्या अडीमा वगैरह तो नहीं हुआ लेकिन इसमें क्या हुआ कि आपके हार्ट में डिसफंक्शन आ गया लेकिन डिसफंक्शन किस लेवल पर आया एट द लेवल ऑफ द डायस्टली जैसा आप डाइस्टॉल कहते हो इसको डायस्टेली कहते हैं डाइस्टली में क्या होता है आपका हार्ट जो आप कर है वो एक्सपेंड करें हार्ट की प्रॉपर फिलिंग हो रही है लेकिन डायस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या हुआ कि हार्ट ने प्रॉपर एक्सपैंड नहीं किया इसकी प्रॉपर फिलिंग नहीं हुई अगर फिलिंग ही प्रॉपर नहीं हुई तो आगे जाके वो बॉडी की डिमांड को पूरा कैसे करेगा तो दिस इज़ द इन एच एफ पी ई एफ अच्छा बच्चों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इस टाइप के अंदर एच एफ पीई एफ में बेसिकली डिसफंक्शन आया डायजस्टिली के दौरान क्या था हार्ट ने प्रॉपर फील करना था प्रॉपर तरीके से रिलैक्स करना था लेकिन उसने रिलैक्स नहीं किया जिसकी वजह से अल्टीमेटली जब उसके अंदर ब्लड ही पूरा नहीं है तो उसने आगे जाके बॉडी की डिमांड्स को पूरा कैसे करना है एक ये रीजन आ गई यानी कि हार्ट में कोई अंदरूनी तौर पे हार्ट के अंदर कोई डिसफंक्शन आया ना दैट वाज एन इंटरविजिक प्रॉब्लम अभी आप में से किसी ने यह डिस्कस किया विद द एज ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो विद द एज क्या हुआ हार्ट अफेक्ट हुआ न बी अदर देन हार्ट देर कैन बी अदर प्रॉब्लम जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया किडनी जैसे थी चलो किडनी का ताल्लुकेशन से किडनी को छोड़ देते हैं मैंने कहा कि बगैर बताओ के कैसे हार्ट फेलियर हो रहा है अभी हमने डिस्कस की हाइपर के की जिसे नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया ए की ज्यादा जरूरत है ज्यादा ब्लड की जरूरत है तब भी आपकी बॉडी ने उस डिमांड को पूरा नहीं किया हमने कभी हार्ट फेल हो गया है इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अच्छा इससे पहले बिफोर दैट हर फेलियर से पहले आपका हार्ट उस कंडीशन को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता है वो कोशिश करेगा वो मैक्सिमम एक्सपैंड करे वो कोशिश करेगा वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट करे ताकि आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके कॉम्पनसेटरी नॉन कॉम्पनसेटरी हार्ट फेलियर ये भी हम लोगों ने अभी जाके डिस्कस करना है जस्ट इस ऑनलाइन लेक्चर्स में हम लोग क्योंकि जब इंशाल्लाह फिजिकल भी आएंगे तो इसके हम लोग बेस बना रहे हैं जस्ट डेफिनेशन मोटे मोटे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं अच्छा दूसरी प्रॉब्लम जी और हार्ट फेलियर कैसे हो सकता है अब हार्ट फेलियर हमें लगा कि जी हार्ट में तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म का अडीमा नहीं है हाइपर होगी कोई ऐसे डिजीज़ होगी जो हार्ट फेलियर की तरफ लेगी फॉर एग्जांपल एनीमिक हो गया पेशेंट अब था क्या मसला तो कोई नहीं था मसला क्या था कि प्रॉपर तरीके से आरबीसी की फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन नहीं हो रही थी तो मेरी बॉडी को लगा कि ये तो आर बी सीज ही नहीं बन रहे हैं तो ये तो ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है तो हार्ट को लगा मुझे ज़्यादा पंप करना चाहिए ताकि जो बच्चे कुचे थोड़े बहुत सेल्स हैं वो मैक्सिमम क्वांटिटी में जाएं एक पर्टिकुलर ऑर्गन में और उसे ऑक्सीजन सप्लाई करें तो हार्ट फेलियर कंडीशन इज आल्सो एसोसिएटेड विद द एनीमिया या डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड या आर बी सीज ये पॉइंट भी क्लियर है सबको